स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बाबूजी फटाफट सब सीख लेते हैं। हेलो हेलो। अरे जयश्री अंशा तुम लोग जाओ पहले, हम लोग आते हैं। चलिए चलिए बाबूजी चलिए। प्रफुल्ल हिमांशु मेरे जोधपुरी सूट की पतलून की जिप खुली है। तो बात कर दीजिए। आसान है, पैसे नीचे से ऊपर। अरे अटक गई है, बंद नहीं हो रही है। वेलकम सर, मे आई हेल्प यू सर? बाबूजी के पतलून की जिप बंद नहीं हो रही है, बंद कर दीजिए ना, किसी को पता नहीं चलेगा। जरूर। अरे क्या जरूर, चलो चलो आप अपना काम करिए, जाइए। प्रफुल्ल गधे, बड़ी सी सेफ्टी पिन लेके तुम बाथरूम में आओ जल्दी। कैपलर मार दीजिए ना खटाखट। नहीं, दो तीन सेफ्टी पिन लेके आओ फटाफट। जा रहे हो या बाहर से मंगवाऊं? देखो अंशा भाभी, इसे कहते हैं एग्जीबिशन। हम हिमांशु का एग्जीबिशन ऐसे ही करेंगे। हाँ। लेकिन है ना, हम हिमांशु के पेंटिंग्स को ऐसे उल्टा नहीं टांगेंगे, इस आदमी की तरह सीधा टांगेंगे। ये पेंटिंग उल्टा नहीं सीधा है। अच्छा? अरे हाय हाय, इसको क्या हो गया, इस पे क्या गिरा? इस पे कुछ नहीं गिरा है। इसमें ये ऐसे दाग धब्बे क्या दिख रहे हैं? ये दाग धब्बे नहीं, इसमें मैंने मेरी मानसिक अवस्था जो है वो व्यक्त की है। अच्छा। तू पागल होएगा नहीं? हाँ सोनसा भाभी, इसीलिए तो ऐसे अगड़म बगड़म ख्याल घूम रहे हैं इसकी पेंटिंग में। है? लेकिन इसे खरीद लेते हैं। इसे? ओ, अंशा भाभी, हमारे बाथरूम का कांच टूट गया है ना, वहाँ ये भंगार पेंटिंग लगा देंगे। ए भाई बोल, कैसे दिया? 1.75। अच्छा? अरे 2.25 रुपए में तो आजकल एक छोटा कांच भी नहीं मिलता। ये पेंटिंग दे रहा है सुबह से बांधे हो। 1.75 मतलब 2.25 करोड़। हाय लॉर्ड, ऐसे होली खेली हुआ ऐसी भंगार थर्ड क्लास पेंटिंग के 2.25 करोड़ रुपए? इसकी जो फ्रेम है ना वही 2.25 लाख की है। एंटीक है, एंटीक। प्रफुल्ल, वेयर आर? मैं यहाँ हूँ अंशा। एंटीक मतलब? और मैं नहीं, तू नहीं हूँ। मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ अंशा को। एंटीक अंशा, अरे वो हमारी मिसेस डिसोजा, उनके हाथ में कांच लगा था तब उन्होंने नहीं कहा था कि कुछ दिन पहले मेरे हैंड में बहुत दर्द था लेकिन अब मेरा एंटीक है, अब मेरा एंटीक है। एंटीक, एंटीक। अच्छा अच्छा। सुना है चक्रम? ए, बांदे बांदे। ए, क्या कर रहा है? दिखा है ना बाहर का खाना मना है, दिखा है ना, जाओ बाहर जाओ, चलो चलो। बापू, हिमांशु सेफ्टी पिन लाया कि नहीं? सेफ्टी पिन को छोड़िए, ये देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ, किले और हथौड़ी। इसे मार देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे पता चलेगा, मुछो वाले अंशा रहने दे तू, मेरा प्रफुल्ल ढूंढ के लाएगा सेफ्टी पिन। मिल गई सेफ्टी पिन। बेंजी, आप जरा मेरे साथ बाथरूम आइए ना। क्यों? वो क्या है ना, मेरे बाबूजी की पैंट की जिप खराब हो गई है। चलिए चलिए। अरे क्या, चलो रंभा। ओ भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे कमाल है, मैं तो सिर्फ रंभा बाबी की साड़ी से सेफ्टी पिन निकालने वाला था, उसमें शर्म कैसी? कैसी शर्म? ये क्या, आपने प्रफुल्ल भैया को थप्पड़ क्यों मारा? ये आदमी निहायत ही बेशरम, नालायक, कमीना है। आप बात मत बदलिए। आप ये बताइए कि आपने प्रफुल्ल को थप्पड़ क्यों मारा? हाँ वही तो, मैंने सिर्फ रंभा बाबी की ब्लाउज से सेफ्टी पिन मांगी, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जिज्जा जी, अभी सेफ्टी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये वजन के कांटे से बाबूजी के पेट की जीप ऐसे ऊपर करने गया तो पतलून ही फट गई, अब पतलून ही बदलनी पड़ेगी।
भाई साहब आपका पैंट उतारी है ना। हाय प्रफुल्ल, आपने ये क्या कह दिया? देखिए ना, बाबूजी ने ब्राउन कलर का जोधपुरी पहना है और ये ग्रे कलर की पैंट है प्रफुल्ल, आप बॉडीज मैचिंग ही नहीं है। सही बात है हंसा, एक मिनट बैठ जी, एक मिनट हंसा, ये चलेगा? हाँ, ये तो सुपर है। ठीक है बहन जी, आप जरा मेरे साथ बाथरूम में आइए ना, मेरे बाबूजी बिना पैंट के खड़े हैं। फिर से देखो, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जयश्री, एक मिनट बाबूजी, चुप रहिए। एग्जिबिशन कैसे करते हैं ये हमें जानना है। हाँ। लेकिन हम सब जानते हैं ऐसे हमें पेश आना है। चलो चलो, सब अलग अलग दिशा में फैल जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। बापू, जोधपुरी पे पल्लू डाल दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, हम संस्कारी लोग हैं। लो, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा। ब्यूटीफुल, थैंक्स। क्या ब्यूटीफुल और थैंक्स, ऐसी शेम शेम पपी शेम तस्वीरें देखते हुए शर्म नहीं आती? अंशु, ये फ्रेंच राजकुमारी की खास तस्वीर है, है पर उसे कपड़े तो पहन लेने देते। ये देखिए, हैं ये तो सुपर है। आपको पसंद है? है। ये तो एकदम, अरे वाह, ये मेरे दादाजी हैं। और जयश्री, तूने तो कहा कि ये घोड़ा है। नहीं, इसे थोड़ी कहा, मैं तो इसे कह रही थी ये। अच्छा, ये मेरी दादी है। अच्छा, ये घोड़ी है? हाँ, दादी पे बैठ के ही मैं स्कूल जाया करता था। अच्छा, टांगे वाली थी ना, टांगा चलाकर पैसे कमाती थी। और मेरी नानी भालू थी, अरे वाह, सड़क पे खेल करके पैसे कमाती थी। देख जोशी, कौन कहता है कि औरतों को रोजगार नहीं मिलता? अगर मौका दिया जाए तो नारी क्या क्या नहीं कर सकती है। और बेटी हंसा भाभी, बांध दे। हाय, घोड़े को फेंक दिया और हमें भी। ए, आप देखिए आपकी पेंटिंग। ये क्या कर दिया तुमने? आपकी अधूरी पेंटिंग पूरी कर डाली, पहना दिया कपड़े भाभी को। अरे कपड़े नहीं पहनाने थे, इडियट, पागल नकी। क्या ए, आप ऐसी असभ्य बातें कैसे कर सकते हैं? हम उस देश के वासी है जिस देश में खजुरा और कामसूत्र की रचना हुई है। संस्कारी बेड़िए जाने का देखे, बेड़िए जान। थैंक यू। गेट आउट कह रहा है ये? हाँ, गेट आउट। आप भी गेट आउट। वेलकम टू डे एवरीबॉडी। पल्लू, आपको भी फेंक दिया? देखो ना, पर मेरे प्रफुल्ल कहाँ है भाई साहब? आएगा आएगा, दो मिनट में वो गधा भी आएगा। मैडम, ओ मैडम, हेलो। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुक चूम लई। हेलो, आप चित्रकार हैं? भाई साहब, गैलरी में खड़ी हूँ हाथ में ब्रश लेके, तो मैं चित्रकारी होंगी ना? ऐसा जरूरी नहीं है, हाथ में ब्रश लेकर तो मैं भी खड़ा रहता हूँ गैलरी में रोज सुबह। हाय दैया, आर्ट गैलरी में? नहीं, एक ही गैलरी में। आठ आठ गैलरी में क्यों खामखा खड़ा रहूंगा मैं? सुबह सुबह किसके पास इतना टाइम रहता है बहन जी? आठ आर्ट गैलरी, और मैं टूथब्रश नहीं पेंट ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। दांत साफ करने के लिए? तो रंग नहीं लग जाता दांत पे? भाई साहब, मैं पेंट ब्रश से पेंटिंग कर रही हूँ। पेंटिंग? अरे हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू। कुतुब मीनार? चार मीनार।
ये चार मीनार है। हाँ, लेकिन चार में से एक तो कुतुब मीनार है ना। कुतुब मीनार मेहरोली में दिल्ली में है और ये हैदराबाद में है। अच्छा अच्छा, झारखंड। मैंने कहा चार मीनार हैदराबाद में है और हैदराबाद झारखंड में नहीं है। तो कहाँ है? तेलंगाना में। लेकिन बहन जी, अभी अभी आपने मुझे बताया कि कुतुब मीनार मेहरोली में है। हाँ, तो कुतुब मीनार मेहरोली में ही है। हैदराबाद तेलंगाना में है। अच्छा, मतलब झारखंड में नहीं है। कैसे हो सकता है? जब वो तेलंगाना में है तब वो झारखंड में नहीं हो सकता है ना। क्या मेहरोली? चार मीनार हैदराबाद, ये मेरा पेंटिंग। तेलंगाना। अरे लेकिन बहन जी, आपका ये पेंटिंग इस वक्त तो मुंबई में है और मुंबई कहाँ तेलंगाना में है। किस तरह झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको बहन जी? माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेहरबानी करके अब आप मुझे इस एग्जीबिशन में ध्यान देने दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब आप चित्रकार हैं? भाई साहब, गैलरी में खड़ी हूँ हाथ में ब्रश लेके, तो मैं चित्रकारी होंगी ना? ऐसा जरूरी नहीं है। लो, आ गया गधा। हमें बाहर फेंक दिया। इसके एग्जीबिशन का क्या होगा? बाबूजी, मैं हूं ना। अरे तू तो रहने ही दे। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। होगा, हिमांशु की कला का एग्जीबिशन भी होगा और एक एक पेंटिंग बेच के मुनाफा भी होगा। और याद रहे, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं डालेंगे। बाबूजी। चल हिमांशु, अभी अपनी पेंटिंग के दाम लगा दे। बड़ी बहन, कटरीना के कितने लगाऊ? 1 करोड़। बड़ी बहन, 1 करोड़ में जीरो कितने होते? जितने लगाने उतने लगा दे जीरो। हिमांशु, जीरो की कोई कीमत थोड़ी होती है। और 1 करोड़ में 1 कितने होते हैं? 1 करोड़ हिमांशु। ये तुझे आज हो क्या गया है? ये तूने टाइगर श्रॉफ की तस्वीर बनाई? टाइगर बन गया, बस श्रॉफ बाकी है। अरे पर ऐसे फालतू पेंटिंग का तो एक शब्द मत बोलना। हेलो, हाउ आर, खाना खाके जाना। खाना तैयार है। ये तो कोई गुंडा बदमाश लगता है। नहीं नहीं, जरा ध्यान से देख, जैसी ये अपने बाबूजी है। बाबूजी के पीछे है वो। हाँ, वो बदमाश है। बच्चू भाई का बेटा दिनेश है। इतना बड़ा बदमाश नहीं। अरे कौन बच्चू भाई का दिनेश? वो क्या है, हमारे गांव में। तुम लोगों को ये बुड्ढे की जान प्यारी है कि नहीं? नहीं। कितना आसान सवाल है। लेकिन तूने ऐसे बाबूजी का मुंह क्यों बंद करके रखा है? ताकि ये चिल्ला के लोगों को इकट्ठा ना कर सके। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा मुंह का बंद है गोगा। तो चिल्ला चिल्ला हिमांशु, मतार, वरना बुड्ढे की गर्दन काट डालूंगा। मतलब तू सचमुच का बदमाश है? अरे बुड्ढे की गर्दन पे उसरा लगाया तो मैं सचमुच का बदमाश ही होऊंगा ना? ऐसा जरूरी नहीं है, उसरा तो मैं भी रखता हूँ दाढ़ी करने के लिए रोज। हो सकता है तू बाबूजी की दाढ़ी बनाने आया हो। अरे दाढ़ी बनाना चाहता तो इनका मुंह क्यों बंद करता? बदमाश, बाबूजी बहुत लुच्चे हैं। उन्होंने सुबह दाढ़ी बनाई है लेकिन वो फिर से तुझसे दाढ़ी बनवाना चाहते हैं और वो भी मुफ्त में। हाँ तो क्या, तो अगर तू बाबूजी का मुंह खुला रखता तो वो तुझे बता नहीं देते कि उन्होंने सुबह दाढ़ी बनाई है? सबको सब कुछ समझाना पड़ता है। चलो चलो खाना खा लेते हैं। अरे गुंडे कुमार, आपको अगर गला काटना है तो यहाँ मत काटना, बाहर जाके काटना। अभी अभी बाबूजी ने यहाँ पोछा मारा है। खाने में क्या बनाया है तूने? इडली, वड़ा, डोसा, मसाला डोसा, रगड़ा पेटीज और समोसा। अच्छा, और खाने में क्या बनाया है? किलो चलेंगे? तू भी चला जा अगर तेरी जान प्यारी हो तो। जा जा जा। ए नालायको, मेरे लिए भी कुछ रखना। बर्तन आपके लिए रखूंगी मांझने के लिए बाबूजी। कांता कहाँ आने वाली है आज भी? रावण भी कांप जाए
ऐसे ऐसे राक्षस भेजे हैं तूने इस घर में भगवान। रावण भी कांप जाए। ऐसे ऐसे राक्षस भेजे हैं तूने इस घर में भगवान। रावण भी कांप उठे। पृथ्वी पे ऐसे राक्षस असंभव। नारायण नारायण। आगे मेरी दिव्य दृष्टि कह रही है कि पारिक परिवार के इन भयंकर व्यक्तियों के साथ बहुत जल्द आपका पाला पड़ने वाला है लंकेश। हमारा पाला? हाँ, और आप इनके नॉनसेंस व्यवहार से त्राहिमाम हो जाएंगे। ये भी अनिवार्य है दशग्रीव दशानन। हम दशग्रीव दशानन लंकापति रावण है, इस विश्व के सबसे खतरनाक खलनायक, और आप हमसे ऐसी तुच्छ बात कर रहे हैं। नारायण नारायण, अब इसे आपका ओवर कॉन्फिडेंस कहूं या अहंकार, खैर जो भी है, पारिक परिवार का आपके लिए जो अभिप्राय है वो आप स्वयं ही देख लीजिए कुछ ही क्षणों में। वो देखिए। अरे वो हिमांशु, चल भाई चल, बहुत कम समय बचा है एग्जीबिशन के लिए, कंगना की पेंटिंग पूरी हुई कि नहीं? देखे जैसी बहन हो गई। वाह 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 हिमांशु, क्या कल्पना है। वाह हिमांशु वाह, हू बहू कंगना। ये कंगना की पेंटिंग है? हाँ। तो कंगना कहाँ है? वो बाथरूम में गई है। और बाबूजी आप क्या चाहते हैं, कोई औरत बाथरूम में हो तब हिमांशु बाथरूम का दरवाजा खुला रखे? संस्कारी, हिमांशु संस्कारी है, औरत को माँ का दर्जा देता है। हर परी औरत को माँ बना डालता हूँ फटाफट। मुछो वाले हंसा, चुप रही है ना। क्या बकवास करते हो तुम? हिमांशु भाई तू तो शांति रख, बाबूजी को देखे ना। बाबूजी को चढ़ा दे चूल्हे पे। तो आज खाने में बाबूजी मसाला। इसने अपने ससुर को चूल्हे पे चढ़ा दिया। और ये तो केवल आरंभ है। ट्रेलर, कीप वॉचिंग रावण जी, कीप वॉचिंग। हमें किसी ऐसी सनसनीखेज व्यक्ति को बुलाना होगा जिसके आते ही लोगों में खलबली मच जाए, हलचल मच जाए। अच्छा अच्छा, तो जैसे हम अपने गली के वो गुंडे को पप्पू को बुला लेते हैं ना, उसका नाम सुन के कैसे लोगों में ऐसे खलबली मच जाती है, है? बुला ले बुला ले, मंशु पप्पू भाई को बुला ले। वो एग्जीबिशन में 3-4 लोगों को चाकू मार देगा ना पेट में, तो अखबार वाले अपने आप पहले ही पन्ने पे तेरे एग्जीबिशन के समाचार छाप देंगे। है ना? प्रफुल कटे, गुंडे, मवाली और खलनायक नहीं। अरे नहीं बाबूजी, हंसा भाभी की बात सुनकर मुझे वर्ल्ड बेस्ट आइडिया आया है। अब ध्यान से सुनिएगा लंका नरेश, क्योंकि ये है विधि का विधान। हमारे यहाँ भगवान तो आए थे लेकिन हमने उनको भगा दिया। बाय बाय। क्यों ना इस बार हम किसी खलनायक को या राक्षस को बुलाए, जैसे दुर्योधन, कंस, रावण। बिल्कुल बकवास आइडिया है। क्या है बाबूजी आपको? अरे तू कैसे बुलाएगी रावण को? क्यों? और वो क्यों आएगा एग्जीबिशन में? पप्पू भाई, हिमांशु पप्पू भाई को बुला ले। हाँ, और वैसे भी पप्पू के सामने रावण तो एकदम लींबू टींबू है। ये लींबू टींबू अर्थात आप एक जगह क्यों नहीं रहते और हमें ये लींबू टींबू का अर्थ समझाइए। अर्थात भोले, नादान, नन्हे से बालक, इन शॉर्ट आप लींबू टींबू। हमारा अट्टहास, हमारी उपेक्षा, हम हंसा का अपहरण करके उस... सावधान, हंसा का अपहरण करते समय यदि प्रफुल आ गया तो आपकी सुख शांति का चिरहरण हो जाएगा। मुनिवर, हम दशक्री दशानन लंकापति रावण। सब पता है, कितनी बार रिपीट करेगा। हाँ हाँ पता है, लेकिन सुनिए, यदि हमने हंसा, प्रफुल, जयश्री, हिमांशु इन्हें लहू के अश्रु नहीं रुलाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। नया नाम सोच के रखूंगा। हाँ, क्योंकि लहू के अश्रु तो आप बहाएंगे। नारायण नारायण। खिचड़ी
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।